नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो गेम समझिए में हम लेकर के आए हैं, वो पिछले 5 दिनों से जो गतिरोध चल रहा था सरकार और विपक्ष के बीच में, उससे जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसी कड़ियां भी इसमें जुड़ी हैं जो साफ बता रही हैं कि तेजस्वी यादव ने जो सत्ता के साथ आने का, यानी नीतीश कुमार के साथ आने का फैसला किया है, वो फैसला उनके लिए कितना कारगर और कितना भारी पड़ने वाला है। कहा तो ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए सत्ता जहर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार कहर पर कहर कर रही है। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो एक कांस्टेंट चीज जो है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में आपको पता है, नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का एक समूह खड़ा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कई संगठन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है, उसे खत्म करना, बर्बाद करना और उसको डैमेज करना नीतीश कुमार के बस में नहीं है। उसके लिए नीतीश कुमार ने एक नया हथकंडा अपनाया। और आप बिहार में देख लीजिए, पिछले 17 सालों से 18 सालों से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी एक भी ऐसा लीडर पैदा नहीं कर पाई जो नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा हो। हालांकि कोशिश हो रही है सम्राट चौधरी को सामने करके, अन्य कई नेताओं को सामने करके, लेकिन सामने आने वाले नेताओं की बहुत कमी है। नीतीश कुमार के सामने सिर्फ सम्राट चौधरी और कुछ हद तक नवल किशोर यादव, और अब तो हरीश साहनी से लेकर के 2-3 लोग और नजर आते हैं जो नीतीश कुमार के सामने बड़ी मुखर होकर के बोलते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार कैसा रिएक्ट करते हैं। और इन लोगों की एक नई टीम जो तैयार हुई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार की परेशानी का कारण यही लोग थे। जीवेश मिश्रा को आपने देखा होगा कि लगातार विधानसभा में वो हंगामा पर हंगामा कर रहे हैं और सरकार की किरकिरी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के लिए सत्ता आखिर जहर कैसे बन गया। तो सबसे पहली बात कि पिछले 5-6 सालों में जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए, अपनी शुरुआत की, और आप जानते हैं कि जब आप पहला अटेम्प्ट करते हैं उसी में अगर आप निकाल लेते हैं परीक्षा, तो आगे आपके काम करने का तरीका और उस आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है और आपकी मेहनत कम हो जाती है, जिसके चलते आप पिछड़ने लगते हैं। लेकिन शुरू में ही अगर आपको झटका लगा हो तो निश्चित रूप से आप और ज़्यादा, हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि असफलता जो है उस सफलता की कुंजी होती है, वहाँ से आदमी सफल होने की कोशिश करता है। लेकिन तेजस्वी यादव को सब कुछ मिल गया। आज कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, कई नेताओं ने ये बात कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान क्या है। तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव है। अब इस बात से हो सकता है कि आने वाले 5-6 सालों की राजनीति में तेजस्वी यादव ने इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने लिए पैदा की होगी, लेकिन अभी तक लालू का जो ठप्पा है वो तेजस्वी यादव के सर से नहीं हट रहा है। इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है? कारण यही है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से अपने इर्द गिर्द के लोगों से घिरे हुए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे, ये वही लोग हैं जो बार बार तेजस्वी यादव जब भी ऊपर 2 सीढ़ी चढ़ते हैं 3 सीढ़ी उनको पीछे कर देते हैं। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होता है। हालांकि तेजस्वी यादव की क्षमता पर किसी को शक नहीं है। तेजस्वी यादव ने पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से अपना कद बढ़ाया है और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिस तरह से सदन में अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, वो साफ बताता है कि तेजस्वी यादव में वो सारी खूबियां हैं, बशर्ते उनके नाम के पीछे से लालू प्रसाद का नाम हट जाए, जंगल राज का नाम हट जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लालू प्रसाद का नाम 2019 में उन्होंने हटाया था, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। तेजस्वी यादव को इतनी मेहनत करने के बाद भी 2019 में 0 पर आउट होना पड़ा। और यही कारण था कि 2020 के चुनाव में फिर से लालू प्रसाद को सामने लेकर के आए तेजस्वी यादव, और इस बार उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, 75 सीट ला करके सबसे बड़ी पार्टी बने। लेकिन यहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी दूर थी। और एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी ने जो कमाल अंतिम समय में किया,
वो बातें आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहा था, 7 चरण के चुनाव थे, हमने पहले और दूसरे चरण में ही बता दिया था कि तेजस्वी यादव को यहाँ से अब परेशानी होने वाली है। हमने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात चुनाव खत्म होते ही बताया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं और उसका कारण तेजस्वी यादव के कुछ अपने लोग और कांग्रेस होगी। कांग्रेस 70 सीटों में से मात्र 19 सीटें जीत करके आई, जिस पर भी हमारी टीम ने, और खास करके अगर संपादक नमन मिश्रा जी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था पूरे बिहार का, उन्होंने 2-3 राउंड दौरा किया था उनकी टीम के साथ। हमारी 20 लोगों की टीम 3 टुकड़ियों में बट करके और ये सर्वे कर रही थी कि आखिर पोजिशन क्या है, चिराग पासवान के आने से किसको डैमेज होना पड़ेगा, कितना होगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अंतिम समय में मुकेश सहनी ने जिस तरह से विद्रोह करके महागठबंधन से अपने अलग किया, उससे पहले जीतन राम मांझी ने अलग कर लिया था और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग करके अपनी अलग गठबंधन बना करके, ग्रैंड अलायंस बना करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को डैमेज करने की पूरी कोशिश की है। और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने सबसे अधिक सीट तो लाया लेकिन इतना नहीं जितना कि 122 का आंकड़ा पूरा कर सकें और सत्ता तक पहुँच पाए। यहाँ से तेजस्वी यादव की फिर से प्रगति को छोड़कर दिया तो औनति शुरू होती है। तेजस्वी यादव जिस नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुए थे और यहाँ से उनकी राजनीति परवान चढ़ रही थी, आने वाले 2025 के लिए संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से उनका फैसला होता है और 2022 के अगस्त में 8 अगस्त को एक एग्रीमेंट होता है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सत्ता में चले आते हैं और नीतीश कुमार के पीछे पीछे तेजस्वी यादव चलने के लिए स्वीकार कर लेते हैं और यह सबसे बड़ी गलती थी। अगर यहां तेजस्वी यादव ने यह वो समझौता किया रहता जिसकी अपेक्षा की जाती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने ले ली होती तो यह मामला नहीं होता, लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी यादव एक एक कदम पीछे घसक रहे हैं, आप जानते हैं कि सत्ता में आकर के लोग अपने को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में देश की जनता ने सत्ता पर बिठाया, 2019 में उसने और कमाल किया और 2024 में कह रहे हैं कि और बड़ा कमाल करेंगे, 400 पार। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, 300 के पार बोली थी, 300 के पार हो गई, 400 के पार बोल रही है, तो लोगों को विश्वास नहीं, हमें भी विश्वास नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो सर्वे करने के कई तरीके होते हैं। हमारा तरीका हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं होता है, हम लोगों से बात करते हैं, उसके आधार पर हम एक प्रशासन बनाते हैं और उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि सत्ता किसके हाथ में आएगी और कितनी आएगी। लेकिन यहाँ सीधे उल्टा हो रहा है, गलती नीतीश कुमार ने किया है या फिर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, लेकिन टारगेट नीतीश कुमार नहीं है। कल से भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जो चीजें सामने देखने को मिली पिछले 24-48 घंटों में वो साफ बता रही है कि टारगेट तेजस्वी यादव हो गए हैं। किसी दुकान से आप सामान खरीदते हैं, अगर वो सामान अच्छा नहीं निकलता है तो आप क्या करते हैं? अगर आपका आपसे जवाब मांगा जाए तो आप सीधे कहेंगे दुकानदार को, जाएंगे बांस कर देंगे, पैसा दिए हैं, कहा ना तुम बढ़िया सामान दोगे, ये सामान लो पैसा वापस करो। लेकिन उस दुकानदार की कितनी गलती है, जिस फैक्ट्री ने, जिस कंसर्न ने उस सामान को बनाया है, गलती उसकी है, उसने गलत सामान बनाया है, लेकिन वहां आपकी पहुंच नहीं है। बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन टारगेट नीतीश कुमार नहीं है, टारगेट तेजस्वी यादव बन गए हैं और उन पर चार सीट होने से लेकर के और जितनी भी बातें हैं सब उनके करियर में जुड़ता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, जो घटनाएं घटी हैं, लाठी चार्ज हुआ है, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ही टारगेट पर हैं। सरेंडर करके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि नीतीश कुमार की पुलिस है, नीतीश कुमार होम मिनिस्टर है, नीतीश कुमार के शासन में अपराध बढ़ रहे हैं, तो पुलिस का डंडा भी तो नीतीश कुमार के काल में चल रहा है, उसमें तेजस्वी यादव की, तो कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसको लेकर के नीतीश कुमार को अपनी पुलिस को यह बताना पड़ा कि लाठी चार्ज करना होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को हत्यारा तक कह दिया है।
क्योंकि ये सीधे सीधे हत्या है। ब्लैक फ्राइडे के रूप में इसको देखा जा रहा है और इन सारी चीजों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जो माहौल बना है, जो मामला बना है, उसमें 2025 के लिए तेजस्वी यादव को कैसे बैकफुट पर लाया जाए, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लाख आप कुछ कह लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ अब खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। आज से 2 महीना पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर जब भी भारतीय जनता पार्टी का हमला होता था तो सामने खड़ा हो जाते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। लेकिन चार्जशीट होने के बाद एक दिन भी तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं आए नीतीश कुमार, भले ही उनकी टीम ने यह कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों को प्रभावित करके ऐसा करवा रही है। लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव को ही क्यों करवा रही है, यह भी एक सवाल होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ आने के बाद एक बार फिर से उनके वोट बैंक में असर पड़ना शुरू हो गया है। खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों में अब एक अलग तरह की जागृति आने लगी है। उस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है जो लगातार अब ये सोचना शुरू कर चुका है कि उसकी बेहतरी किसमें है। 75 साल आज़ादी के हो गए और ये सिर्फ एक वोट बैंक बन करके रह गए हैं, इस बात से इनकार नहीं करते हैं। जो सुविधाएं उनको दी गई है, जो विशेषताएं उनको दी गई हैं, उसका लाभ उनके लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। आज भी उस समाज के लोग, आप चले जाइए तो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई टायर पंक्चर बना रहा है, तो कोई और इसी तरह के काम छोटे मोटे कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है। और जो उस समाज के कहा जाता है कि नेता हैं या दबंग लोग हैं, वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं। यानी कि अब जो वक्त बदल रहा है, उस वक्त के बदलने के साथ साथ सोच भी बदल रही है। वही यादवों के साथ भी हो रहा है। यादव समाज के लोग भी बार बार ये कहते हैं कि यादव को लेकर के चाटेंगे, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कभी उधर कभी उधर। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव भी उस खेमे में आ रहे हैं जो पलटी मारते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा कर रहे हैं, इससे पहले कई बार कह चुके हैं नीतीश कुमार, वो कभी संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार केंद्र की सत्ता में जाने की बात को लेकर के हवा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा गड्ढा खोदा है जिसमें उनका गिरना निश्चित लग रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर हमलावर है, उनके माता पिता के शासन को लेकर के और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के, उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर के लगातार इसको शांत होने नहीं दे रही है, तो वहीं नीतीश कुमार भी खुले मन से ये बात कहते हैं कि 2005 से पहले कैसा शासन था आप सब जानते हैं ना, उसी मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहते हैं। और ये ठप्पा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा का पूरा लालू विरोधी, तेजस्वी विरोधी खेमा जो है वो लगा रहा है। अब तो जीतन राम मांझी भी ये बात कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, जो कभी 2020 में ये कहा करते थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो आज ये कहते हैं कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा सक्षम है। एक बड़ी फहरिस्त खड़ी हो गई है। आपको याद होगा कि यहीं पर संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान बिहार के ही एक पॉलिटिशियन लगातार ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन में या फिर तेजस्वी यादव को यह शिक्षा दी है कि जितने भी यूथ लीडर हैं उनके साथ कभी दोस्ती मत गांठना, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो संतोष मांझी हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पप्पू यादव हो, इन सारे लोगों से दूरी बना करके रखना है, क्योंकि ये कभी भी कुर्सी के हकदार हो सकते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार के रहते बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी और किसी के लिए खाली नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री के लिए नो वैकेंसी है, कोई कुर्सी खाली होने वाली नहीं है आने वाले अभी 10 सालों तक, वैसे ही नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं तब तक ये कुर्सी नीतीश कुमार ने रजिस्ट्री करा ली है। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का सपना और सत्ता में आने का जो उनका
ललक था वो पूरी की पूरी तरह काफूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री की कुर्सी और दूर हो गई है। सत्ता में आकर के तेजस्वी यादव ने अपने पैर से उस कुर्सी को लात मारा है। आप इस विश्लेषण के बाद क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने कोशिश किया है उन तथ्यों को आपके सामने लाने का जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस गेम को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार एक अलग दिशा में मूव कर चुका है, जो 2024 और 25 के चुनाव को बहुत करीब से देख रहा है, निर्णायक भूमिका निभाएगा और यहीं से देश की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।